तो दोस्तों, आज मैं तुम्हें एक मेहराब बनाना बताता हूँ जिसकी चौड़ाई है 50 सेंटीमीटर और लंबाई है 30 सेंटीमीटर। तो आप देखिए वीडियो में, आगे मेरे साथ बने रहिए। तो दोस्तों, ये मैंने 50 सेंटीमीटर पे लाइन खींच दी और ये 30 सेंटीमीटर, ये पूरा एक स्क्वायर अपन ने खोखा बना दिया 50 सेंटीमीटर बाय 30 सेंटीमीटर का। ये देखिए, अब ये अपन ने इसका फिर एक सेंटर बनाया 50 का 25 सेंटीमीटर। ये दोस्तों हो गया 25 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ से एक प्रकार घुमाना है, करीब करीब 2-2.5 इंच ऊपर से छोड़ देना है और फिर इस प्रकार से पूरा प्रकार घुमा लेना है। तो ये अपना 2.5 इंच में काम नहीं हो रहा है, तो करीब इतना प्रकार घूमेगा। ये अपना प्रकार घूम गया दोस्तों। अब हमें यहाँ पर भी यही सेंटर 25 सेंटीमीटर वाला कर देना है। अब हमें इसके भाग बांट लेना है। ये हो रहा है 12 इंच, तो हमें 4-4 इंच के 3 हिस्से करना है। ये इधर 2 इंच और इधर 2 इंच, 1-4 इंच ये हो गया, 1-2-3-4, 1-2-3-4, 1-4 इंच ये हो गया और 1-4 इंच ये हो गया। अब इसको दोस्तों इस प्रकार से पॉइंट बना दो और फिर इसे अपने को जितना गहरा रखना है उतना गहरा यहाँ लाके खत्म कर दो। ये हो गई दोस्तों आपकी मेहराब। इसी प्रकार से अब मैं इसके सरिये बांधूंगा और जब मेहराब काटते हुए आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, ठीक। तो दोस्तों, ये मैंने कर दिया इसका सेंटर और ये मैं यहाँ से निशान लगाता हूँ इससे। तो दोस्तों, यहाँ से हम 20 सेंटीमीटर ले रहे हैं इसको। 20 सेंटीमीटर से हम दोनों तरफ इसका प्रकार घुमाएंगे। देखिए अब आराम से, ये हमने तीनों साइड निशान लगा लिया है। ये अब यहाँ से हम प्रकार घुमाएंगे इसका। इसको प्रकार घुमाने के लिए 8 इंच पे प्रकार दोस्तों हमने सूत के अंदर एक पत्ती को बांध दिया है और ये हमारे तीनों निशान से मैच कर लिया। ये मैच हो गया, अब हम प्रकार घुमाएंगे और ये हमारा प्रकार पूरी तरह घूम गया है। ये आधा गोला तैयार हो गया। अब हम इसका सेंटर करेंगे 25 सेंटीमीटर। यहाँ से 2-2 इंच दोनों तरफ निशान लेंगे, ये एक और ये दोनों निशान हो गए। अब हम यहाँ से 3.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे, ये थोड़ा गलत हो गया है। फिर ये 3.5 इंच और ये 3.5 इंच। अब हम 1 इंच इसके दोनों तरफ निशान लगा लिए। अब अंदाज से हम यहाँ से गहराई ले लेते हैं और फिर एक छोटा सा गोला घुमाते हैं। ऐसा ही गोला इधर भी घुमा देंगे। ये क्या हो गया? ये मेरा एक इंची गहरा करेंगे इसे और इस निशान से मिलाकर फिर एक आधा गोला बनाएंगे।
ये गहराई अपने हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं अपन। इसी प्रकार दोनों तरफ निशान लगा लिए। अब हम इसको काटना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, ये काटना स्टार्ट हो गया। बहुत ईजी है, बस इसको काट के फिर इसको फिनिशिंग कर देंगे। बने रहिए आप वीडियो में। अब ये देखिए, हमारी मेहराब बनकर तैयार हो गई है और ये मेहराब हम राम झरोके में फिट कर देंगे। थैंक यू।